वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत बहुत स्वागत है और एक नई एपिसोड के अंदर है। टेक्नो अपनी फोबा सीरीज को फाइनली एमडब्ल्यू सी 2024 में लॉन्च कर दिया है एंड बार्सिलोना में इस फोन के चर्चे जो है दूर दूर तक हो रहे हैं। ये जो फोन है ये इंडिया पे भी बहुत जल्दी टेक्नो लाने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टेक्नो फोबा 6 Pro 5G के बारे में। ये जो फोन होगा ये एक लाजवाब फोन होने वाला है इस सेगमेंट के अंदर, जो कि दूसरे ब्रांड्स देने से पहले प्राइसिंग के बारे में सोचेंगे। टेक्नो जिस प्राइस पे इस फोन को लाएगा वो थोड़ा सा अलग ही होने वाला है। क्या रहने वाला है इस फोन के अंदर, इसका इंडियन रिटेल प्राइस क्या होने वाला है, इसके कौन से वेरिएंट्स होंगे, इसके क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे, प्राइसिंग किस वेरिएंट पे आएगा, 8GB रैम या फिर 128GB के साथ 256GB मिलेगा, क्या मिलेगा, सब कुछ आज के वीडियो में क्लियर कट करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट के आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर दो यार, क्या कर रहे हो। देखो, MWC में लॉन्च हुआ है, इसका मतलब यह है ये फोन जो है अगले एक महीने के अंदर इंडिया पे भी देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली 20 से 15 दिन लगते हैं इस फोन को लॉन्च होने में अदर्स कंट्रियों में। सो आप वेट कर सकते हो इस फोन के लिए, मार्च के मिड तक ये फोन टेक्नो इजिली इंडिया पे लॉन्च कर देगा। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से इस फोन के जितने भी स्पेसिफिकेशन, इंडियन रिटेल यूनिट प्राइस जो भी है, सब कुछ क्लियर करते हैं आपके सामने। देखो, इंडिया में जब पिछले साल GT10 Pro इन्फिनिक्स का लॉन्च हुआ था, वैसा ही सिमिलर टाइप का डिजाइन इसमें भी मुझे देखने को मिला। अब इन्फिनिक्स और टेक्नो के अंदर क्या क्या माजरा है वो मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। इन्फिनिक्स टेक्नो ये जो दोनों कंपनी है, ये दोनों का पेरेंट कंपनी आप बता सकते हो, जैसे कि पोको रेडमी हो गया, वीवो आईको हो गया, वन प्लस ओपो हो गया, ऐसे करके इन्फिनिक्स के साथ टेक्नो का एक ऐसा संबंध है जो कि बहुत सारे रिलेशन आपको दिखाई देंगे इनके अंदर, मतलब इनके फोन्स के साथ OS जो है मैच कर जाता है। बाकी इनके कैमरा मॉड्यूल अगर देखोगे थोड़ा बहुत सिमिलर हो जाते हैं, बाकी इनके अपडेट्स वगैरह भी बहुत सारे सिमिलर आते हैं। सो नो डाउट ये जो दोनों फोन्स है एक ही फैक्ट्री में बनते हैं बट अलग अलग नाम से बिकते हैं। अब टेक्नो का क्या सीन था, टेक्नो जो है ऑफलाइन मार्केट को टारगेट कर रहा था एंड इन्फिनिक्स जो है वो ऑनलाइन मार्केट को टारगेट कर रहा था। क्या हुआ, अभी टेक्नो जो है वो ऑनलाइन पे भी आ गया है। सो ऑनलाइन पे भी टेक्नो जो पोवा सीरीज है वो बहुत ज्यादा बिक रहा है मार्केट के अंदर। इन्फिनिक्स तो ऑनलाइन पे पहले से ही था। सो इन्फिनिक्स का जो GT10 Pro था उसका ही हुबहू जो डिजाइन है वैसा ही मुझे देखने को मिला टेक्नो पोवा 6 Pro 5G के अंदर। आप देख सकते हो फोन जो है दो कलर में देखने को मिल जाएगा, एक तो है इस ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहा है वैसा टाइप का रहेगा, और ये वाला ग्रीन जो है ये पीकॉक ग्रीन है, मुझे इसका कलर बहुत सही लगा भाई। जैसे कि OnePlus 12 सीरीज में कलर आया था ना ग्रीन करके, डार्किश ग्रीन, वैसा ही टाइप का इसमें भी आपको कलर डिजाइनिंग मिलेगा। देखो ये जो फोन होने वाला है बॉक्सी टाइप के डिजाइन लेकर आएगा जैसे कि GT10 Pro के अंदर था, और एक कलर है इसके अंदर एक ब्लैक कलर में मिलेगा, एक ग्रीन कलर में जैसे कि मैंने आपको बताया। फोन का जो थिकनेस रहेगा, ये फोन 7.9mm के थिकनेस पे आएगा एंड इसका जो वजन रहने वाला है अराउंड 200 grams का होने वाला है, बिकॉज MWC में जब ये फोन लॉन्च हुआ था वैसा ही टाइप का कुछ क्लियरनेस यहाँ पे निकल के आया था। तो ये थोड़ा सा बल्की फोन एंड बड़ा फोन भी होने वाला है, 200 grams के आसपास का फोन होगा। इसका बैक वाला जो मटेरियल है प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी लेकर आएगा, बट हार्ड पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, आपको GT10 सीरीज में जैसे मिला था वो इसमें भी सिमिलर ही मिलेगा। डिस्प्ले में अगर आप देखते हो तो इस फोन के अंदर थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले देने वाले हैं टेक्नो वाले, 6.78 इंच का एक डिस्प्ले मिलेगा, वो भी AMOLED डिस्प्ले। साथ ही साथ यहां पे 120Hz का रिफ्रेश रेट भी आपको मिल जाएगा, एक फ्लैट डिस्प्ले रहेगा सेंटर पंच होल के साथ। इस फोन के अंदर 240Hz का टच सैंपलिंग रेट मिलेगा, 1300 nits का मैक्सिमम ब्राइटनेस देखने को मिलेगा, जैसे कि हमें कुछ ही दिन पहले Realme के भी कुछ 12 सीरीज के फोन में देखने को मिले, तो वैसा ही टाइप का मिलेगा। अब इसमें कौन सी प्रोटेक्शन आएंगे वो तो मुझे पता नहीं, बट NEG ग्लास या फिर पांडा ग्लास जो है इसका भी प्रोटेक्शन कंपनी आपको डेफिनेटली देने वाला है, बिकॉज इट्स अ बेटर स्मार्टफोन। रैम एंड रोम वेरिएंट के बारे में बात की जाए तो इस वाले फोन के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, एक 8GB 256GB और एक आपको मिल सकता है एक 12GB 512GB वाला वेरिएंट, और इनमें आपको HD कार्ड के सपोर्ट भी मिलेंगे, डुअल सिम का भी सपोर्ट मिलेगा, और इसके अंदर जो परफॉर्मेंस में रहने वाला है Dimensity 6080 प्रोसेसर। अगर आप इसको 6Gen 1 से या फिर Dimensity 7200 से भी तुलना करते हो जो कि रिसेंटली आईको Z9 में आने वाला है, तो उनसे थोड़ा सा मतलब लोअर लेवल का प्रोसेसर है, और ये भी 4nm का ही प्रोसेसर है, बेटर परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा। इसके एंटू बेंचमार्क स्कोर वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो एज कम्पेयर एज अदर प्रोसेसर। सो ओवरऑल अगर देखा जाए मुझे लगता है इस प्राइस के अंदर जस्टिफाइड होने वाला है। कैमराज के बारे में बात करें तो इस वाले फोन के अंदर आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगी, और इनके फ्लैश के लिए तो ये लोग बहुत ही ज्यादा यार पॉपुलर है, चाहे इन्फिनिक्स में देख लो टेक्नो में देख लो, डुअल फ्लैश आपको फ्रंट में मिलेगा, बैक में भी आपको क्वाड फ्लैश देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 108+2+8 megapixel का डुअल फ्लैश के साथ सेंसर देखने को मिल जाएगा बैक में, फ्रंट में 32 megapixel का सेंसर देखने को मिल जाएगा। सेंसर्स के मामले में बात करें तो इस फोन के अंदर आपको सारे सेंसर्स देखने को मिलेंगे इंक्लूडिंग जायरोस्कोप सेंसर, इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ फेशियल अनलॉक का सपोर्ट भी देखने को
को मिल जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ लॉन्च होगा और इनके जो हाई वेज होते हैं वही आपको देखने को मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स के अंदर। बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो इस फोन के अंदर रहने वाला है 6000 mAh का एक बड़ा सा बैटरी जो कि आराम से 3 दिन तक चल जाएगा। अगर आप हैवी यूजेस करते हो तो भी यार 2 दिन तक आराम से आग बंद करके चला सकते हो। 70 वाट का एक फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा इंक्लूडिंग टाइप सी पोर्ट। ओवरऑल ये जो है अपने फोन को आराम से 30 मिनट के अंदर चार्ज कर देगा बड़ी इजीली। कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में बात करें तो इस वाले फोन के अंदर आपको मिल जाएगा 3.5 mm ऑडियो जैक, डुअल स्पीकर का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा जो कि अदर ब्रांड इस प्राइस के अंदर नहीं देते हैं। ओवरऑल डुअल सिम कार्ड के साथ एसडी कार्ड का भी सपोर्ट आपको मिलेगा, एक्सपांड भी कर पाओगे अप टू 2 TB तक। अब बात करें प्राइसिंग की तो इस वाले फोन का जो प्राइस होने वाला है मेरे अकॉर्डिंग 15,000 से 17,000 के बीच में रहने वाला है अगर आप हाईएस्ट वेरिएंट या फिर लोएस्ट वेरिएंट देखते हो, क्योंकि इसके जो पुराना वाले वेरिएंट है टेक्नो पोवा 5 सीरीज के जो प्रो सीरीज के फोन थे वो अभी 13,000 में 14,000 में मिलता है, तो इसके 1-2 हजार रुपया ज्यादा ही ये फोन आने वाले है मार्केट के अंदर, ये 100% कंफर्मेशन में आपको दे रहा हूं। अब बात ये रही कि इस फोन के लिए क्या हमें इंतजार करना चाहिए। इस प्राइस के अंदर 15,000 रुपया में हमें दूसरे जो ब्रांड्स है वो IPS LCD डिस्प्ले देते हैं 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, इंक्लूडिंग फिंगरप्रिंट स्कैनर भी भाई देखने को नहीं मिलता बिकॉज IPS डिस्प्ले रहते हैं इस फोन के अंदर आपको मिल जा रहा है। इसके अलावा ज्यादातर ब्रांड जो है 15,000 रुपए के अंदर अभी 5G फोन ज्यादातर स्नैपड्रैगन 695 दे देते हैं या फिर दूसरे कोई मीडियाटेक डायमेंसिटी वाले पुराने प्रोसेसर डाल देते हैं, तो ऐसे में क्या है भाई आपको मिल रहा है डायमेंसिटी 6080 जो है वो मेरे ख्याल से मच बेटर है उससे। दूसरा बात यह है कि इस प्राइस के अंदर 3.5 mm जैक रहे ना रहे वो दूसरा बात है, आपको डुअल स्टेरियो स्पीकर मिल रहा है, 108 MP का कैमरा भी मिल रहा है, हाँ 15,000 में अवेलेबल है बट इस फोन में भी मिल रहा है। साथ ही साथ जो सबसे अच्छा चीज लगा वो है 32 MP का कैमरा एंड इससे आप अच्छे खासे फोटोज क्लियर फोटोज निकाल सकते हो जो कि इस प्राइस में अदर ब्रांड्स आपको नहीं देते हैं। दूसरा जो चीज लगा 6000 mAh का बैटरी 15,000 में कौन देता है मेरे भाई, और 70 वाट का फास्ट चार्जर 50,000 वाले फोन में भी नहीं मिलता है अभी। सो ये था ओवरऑल जो भी स्पेक्स एंड इंडियन रिटेल यूनिट प्राइस जो है मैंने आपको बताया टेक्नो पोवा 6 प्रो 5G का MWC बार्सिलोना पे लॉन्च हो गया 2024 में, बहुत जल्दी इंडिया पे आने वाला है। खैर आप मुझे कमेंट करके बताओ इस फोन के लिए आप वेट कर रहे हो कि नहीं, अगर आता है ये फोन जरूर परचेस करो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और OS अपडेट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, हार्डली 1 से 2 साल तक का OS अपडेट आपको मिलेगा एंड 3 साल का सिक्योरिटी पैच मिलेगा जो कि टेक्नो ने MWC में भी कन्फर्मेशन दिया है, सो इसके लिए वेट कर सकते हो। आपका क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताना।